अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल फूड स्मिथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मिसेज मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बिरयानी की। बीफ में बना रही हूँ इसको, आप मटन से भी बना सकते हैं और इसको ऐसे चिकन से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये सब मैंने बॉयल की हुई हैं, चावल भी और गोश्त भी। तो इसमें बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपको सुनने को मिलेंगी, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। इसके लिए जो मैंने लिया है, दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने उसको स्लाइस कर लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, 6 आलू बुखारे हैं, 8-10 हरी मिर्चें हैं और लेमन के स्लाइसेस हैं जिसको मैंने इसको यूँ स्लाइस कर लिया बीज निकाल के। और ये हमारे घर के लीमू हैं जिसको कागजी लीमू भी कहते हैं। और 5 दरमियानी साइज़ की मैंने टमाटर ली है, मेरे पास फ्रीज हुए हुए थे तो मैंने इसको जो है ना वो कूट लिया है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप इसको मोटा मोटा काट सकते हैं छिलकों समेत। और ये 3/4 कप हमारे पास ऑयल है। साबुत मसालों में जो हमने लिया है वो 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है, 5-6 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, 3 बादियानी फूल, और ये 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून लौंग। साबुत मसालों में ये जाएंगे। और पिसे हुए मसालों में जिसमें मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून नमक का, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का है, और 1/2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1/4 टीस्पून जो है ना इसमें जायफल का डाला है, और वो जर्दे का रंग, केवड़ा, थोड़ा सा पानी, और क्या दही मैंने अभी मंगवाया है, मैं अभी डालूंगी इसमें, तो 1 कप वो हमें चाहिए। और 1 किलो मैंने बीफ लिया है जिसको मैंने बॉयल कर लिया पानी में, सिंपल बॉयल किया है, कोई इसमें और मसाले ऐड नहीं किए सिवाय नमक के, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया है, यानी कि ये गल चुका है हमारा। आप इस बिरयानी के लिए इस तरह से इसको गलाकर जो है फ्रीज कर सकते हैं, और जब मेहमानों ने आना जल्दी से भी ये बिरयानी तैयार हो सकती है, वो टाइम सेव हो जाएगा आपका। अच्छा, और 1 किलो ही मेरे पास चावल हैं, इसको मैंने बॉयल किया हुआ, ये देखें कितने बिखरे बिखरे अलग अलग चावल हैं। इसको मैंने खुले पानी में बॉयल किया था, जब पानी बॉयल होने वाला था तो पहले तो मैंने चावलों को अच्छे तरीके से वॉश किया है, फिर मैंने इसमें खुले पानी में बॉयल कर लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने उसमें नमक ऐड किया था, और फिर मैंने जब पानी बॉयल हो रहा था तो मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। चावल ऐड करने के बाद 8 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है, और उसके बाद मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और आपके सामने अब ये राइस है। ठीक है, तो अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चलें जी, इस बेच के मैं हमने ना चावल मैंने भी बॉयल किए थे, मैंने उसी में ही अब कुक कर लेना है बिरयानी, तो बेच का ज़रूरी बनना है। ये देखें, ये हमने इसके अंदर घी डाल दिया, घी या ऑयल वो डाल देंगे। ये गरम हो गया, इसके अंदर जो है ना प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इतनी मेहनत से हम लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसको अब हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें कि प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए जी, प्याज हमने निकाल लिए, अब इसमें हमने ये सारे साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 4-6 छोटी इलायची, और 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लौंग। ये चीज़ें मैंने जो डाली थी इसमें, फ्लेम को मीडियम रखेंगे।
निकाले, हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, अब इसमें हमने ये लहसुन अदरक डाल देना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे मीडियम से। अब इसको हमने जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसमें। अब ये देखें, ये लाइट ब्राउन सा हो गया। चम्मच मैंने चेंज कर लिया, अब इसकी बड़ी टक टक आवाज आ रही थी। अब इसमें हमने ये बीफ ऐड कर देना है, बीफ या मटन जो भी आप यूज कर रहे हो। ये अच्छा सा गला हुआ है, हो गया। इसको अब हम इसकी भुनाई करेंगे। आपको पता है, जब तक किसी भी चीज़ की अच्छे से भुनाई ना हो, इसका फ्लेवर नहीं आता। इसको अब हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब भी आप गोश्त को बॉईल करके यूज़ करते हैं, तो उसका कलर जो है ना, वो जो ज़रा बीफ का आपको पता है काफ़ी डार्क होता है। ये देखिए कितना वाइट है इसका, ये देखें, ये देखें कितना वाइट है ये, इस वजह से कि बॉयल हुआ है। ये बॉयल होके जो मीट है उसका कलर लाइट हो जाता है। ये भुन गया। अब इसमें ये जो सारे मसाले हैं, जायफल, जावित्री, पिसा हुआ धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये डाल दिया। अब इसको भून लेंगे। 1 मिनट तक ये भून लिया। अब हम इसमें हमने जो 5 मीडियम साइज के टमाटर या 4 बड़े साइज के आपके पास टमाटर हों, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फ्रीज हुए हैं, तो मैंने उसको कूट लिया है। और अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसको काट के यूज़ कर लेंगे। ये आलू खारे के, इसमें आलू खारे भी साथ ही ऐड करेंगे टमाटर के साथ। 6 आलू बुखारे लिए हैं मैंने। इसको भून के थोड़ा सा फिर इसमें हम 1 कप दही ऐड कर देंगे, बल्कि 1.5 कप। जी मेरा दही आ गया। एक प्याली जो है ना वो इसमें दही ऐड कर देंगे। 1 पाव दही भी आप कह सकते हैं, और एक ये जो प्याली है ना, ये 1 पाव के बराबर होती है।
इसकी अब हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और ये जो प्याज है ना, ये भी हमने डाल देना है, साथ ही डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर टॉपिंग के लिए, मैं ज्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर खाते नहीं है। अब हमने ये अच्छे से जो ना इसकी भुनाई कर लेनी है दही की। ये देखें कि ये हमारा जो है ना अच्छे से दही भून चुका है। अब ये जो हमने बीफ बॉईल किया था ना, यानी कि इसकी यखनी है ना, तो इसको हम ना डाल देंगे, थोड़ी सी बचानी है, बाकी ड्राई कर देना है। तो इसको हम, क्योंकि आपको पता है बॉईल हुआ हमारा बीफ, तो वही वाला जो सूप है ना उसका वो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि सारा जो उसका फ्लेवर है वो तो उसी में है। अब इसको 10 मिनट्स के लिए जो है ना मैं कवर करके इसको कुक करूँगी, ताकि ये जो इसके जो मसाले हैं ना वो ये बीफ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। और फ्लेम मैं जो है ना इसका ज़रा हाई रख रही हूँ, ताकि ये कुक भी होता रहे और इसका पानी भी जो है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाए। ये देखिए जी 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारा जो है मसाला तैयार है, मजे की खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे आपको भी है। अच्छा, अब इसकी लेयरिंग करनी है, तो इस तरह करती हूँ मैं, इसमें से हाफ निकाल लेती हूँ, हाफ इसी में रहने देती हूँ, ऊपर चावल डाल देती हूँ। चलो बर्तन बिल्कुल ज्यादा नहीं भरने, ये वही बाउल है जिसके अंदर मैंने यखनी निकाली हुई थी और बीफ निकाला हुआ था। ये देखिए हाफ निकाल लेंगे उसी में। हाफ हो गया कि नहीं? नहीं। आप कहते हैं मैं निकाल लेती हूँ, व्यूअर्स की भी तो बात माननी है ना। चलो ये हो गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इसके अंदर चावल डाल दें। चावल ना मैंने दो जगह रखे हुए थे ताकि डालने आसान हो। ये देखिए छड़प करके चावल आ गए। देख रहे हैं कोई ढीला भड़म करके नहीं गिर रहा, सब अकेले अकेला चावल जा रहे हैं। ओहो ये क्या आ गया, चलो ये डाल दिए। तो अब जो है ना वो क्या करना है, ये लेमन स्लाइसेस ये डालेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। आधे लेमन स्लाइसेस ऐसे डाल देंगे और इसके अंदर जो है ना वो दो चार हरी मिर्चें रखेंगे। और क्या डालना है, केवड़ा बिल्कुल थोड़ा डालना है, फिर ना कहना कि हमारी बिरयानी में जो है ना बहुत फ्लेवर आ गया, वो आपने अपनी मर्जी से डाला होगा, फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा केवड़ा डाला और क्या, हाँ येलो कलर, येलो कलर डाला हमारे पास। अच्छा मैं इसको ना वो नहीं कर रही, पानी में डिजोल्व नहीं कर रही, ऐसे ही डाल रही। ये आपने इधर डाल देना थोड़ा, बाकी इधर डाल देना।
अब हमने जो है ना वो ये गरम ये बाकी का डाल देना, साइड पे जरा ज्यादा डालें इसके ना, साइड से ही आपको पता जरा मिक्स ज्यादा होता है। तो अब इसको हम क्लियर कर लेंगे अच्छे से। इसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, मिस किया तो आपकी बिरयानी नहीं अच्छी बनी। ये देखिए अब ये आ गए दूसरे सेकंड लेयर आ गई। मैं कट नहीं कर रही कोई भी इसका स्टेप ताकि आप लोग पूरी तरह से फॉलो करें। चल रही अगर आपके पास ये चावल बॉईल हुए हुए और गोश्त बॉईल हुआ हुआ पड़ा हो ना फटाफट ही हो जाते हैं बिरयानी बनते। तो इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं घर में होते सारे पड़े, ठीक है। ये अब ये चला गया इसके अंदर, अब ये चावल सेकंड लेयर प्लेन जो है हमने मिली करनी है, ठीक है। अब बाकी के लेमन स्लाइसेस वो डाल देंगे, तो आपने देखा तो नहीं देख लिया तो कोई बात नहीं, हाथ से छूट ही जाता है, कोई मसला नहीं। हरी मिर्ची आ गई और क्या डालूं, ये बाकी का जो मैंने थोड़ा सा प्याज बचाया था ना जरा सा वो डाल दी, धनिया पुदीना भी आप डाल सकते हैं। बस मेरे ख्याल बहुत है ज्यादा ही नहीं होते चावल है ना वो ड्राई ड्राई से ना बने, इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी की आपने टॉपिंग कर देनी है क्योंकि इससे आपके राइस जो है वो सॉफ्ट रहेंगे, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना सख्त नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हमने दम लगा देना है और खोलते हैं इसको 7 मिनट्स बाद खोल लेंगे क्योंकि हमारे चावल अच्छे से बॉयल है और सब कुछ रेडी है। चले जी हमने इसका ढक्कन उठा लिया, अब हम चलें जी अब हम डिश आउट कर लेते हैं। मिक्स कर लिए हमने यही गरम, भी इसका मसाला इतना मजे का है ना, ना बहुत ज्यादा स्पाइसी है ना हल्का है, बिल्कुल आप लोगों ने एक्यूरेट इसी प्रोसीजर से बनानी है और यही आपने वो सारा रखना है क्वांटिटी। तो तैयार है हमारी बिरयानी, बीफ बिरयानी, आप इसको मटन से बनाएं तो ये बहुत मजे की बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।